सरना झंडा के अपमान के विरोध में आदिवासी समाज के द्वारा बुलाया गया रांची बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बंद के समर्थन में सड़क पर सुबह से ही बंद समर्थकों के द्वारा विभिन्न चौक चौराहों पर जुलूस और प्रदर्शन शुरू हो गया। इस बंद में महिलाएं भी सड़कों पर उतरी और आक्रोश व्यक्त किया। राजधानी रांची के कई मुख्य सड़कों में आवागमन घंटों बाधित रहा। बंद के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार रहा। पूरे शहर में 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रशासन की ओर से बंद समर्थकों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जगन्नाथपुर थाने में रखा गया है। सरना समाज का कहना है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है और प्रशासन से ये मांग करता है कि जल्द से जल्द झंडा के अपमान करने वाले को गिरफ्तार करें। देखिए 24 तारीख को हम लोग का सरहुल पर्व हुआ। आदिवासी लोग का दो त्यौहार सबसे बड़ा होता है, एक सरहुल और एक कर्मा। सरहुल त्यौहार जैसे हम लोग का होता है 24 तारीख को, 24 तारीख को हर्ष उल्लास के साथ हम लोग त्यौहार मनाए और त्यौहार मनाने के लिए सुंदरता के लिए हम लोग झंडा सजाते हैं पूरे नगर में। और नगर में जो झंडा हम लोग ने सजाते हैं उसी सजाया हुआ झंडा एस एन यादव हॉस्पिटल के सामने ये झंडा लगा हुआ था, उसको भू माफिया और कुछ असामाजिक तत्व लोग उतार के झंडा को जला दिया। और हम लोगों ने थाना एसपी आईजी डीआईजी सारे लोगों को लिखित दिए कि ये जो दोषी है उनका यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ, उनसे फुटेज निकालिए और यथाशीघ्र गिरफ्तार कीजिए। लेकिन शासन किसी ने नहीं सुना, किसी के कान में जू तक नहीं रेंगा। कारण हम लोगों को आज रोड में आना पड़ा और उन दोषियों को गिरफ्तार करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि किसी भी समाज का धर्म के साथ में खिलवाड़ नहीं करें।